नमस्कार, अनोखा जायका में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता त्रिलोकी। कोफ्ता त्रिलोकी, आप सोच रहे होंगे कि कोफ्ता तो हमने सुना है, लेकिन ये त्रिलोकी क्या है? त्रिलोकी तीन अनाज का मिश्रण। तीन अनाज के मिश्रण से हम कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। कोफ्ता त्रिलोकी बनाने की विधि आप सीखिए और बना के अपने परिवार वालों को खिलाइए। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालते हैं। तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने एक छोटी साइज की लौकी ली थी, उसको धो के छील के और कद्दूकस किया है। उसके बाद उसको निचोड़ के और पानी निकाल लिया है। कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इसमें हम प्याज मिक्स करेंगे। ये हमने सूजी ली है, ये हम 2 टेबल स्पून सूजी इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हमने 2 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड किया है। मिक्स करके देखते हैं। तब हम इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स करेंगे। टू टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून ही आटा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें हींग मिक्स करेंगे। लाल मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार, 1/2 टेबल स्पून ही हमें नमक ऐड करना है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अगर बेसन और सूजी की थोड़ी सी मात्रा अगर कम लग रही हो तो और डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है। लेकिन इधर तेल गर्म हो चुका है, मिक्स करके कोफ्ते बनाएंगे। आधा टेबल स्पून गरम मसाला, इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करना है और उसकी गोलियां बनानी है। मिश्रण मिक्स हो चुका है। अब इनको तेल में डीप फ्राई करना है। गैस थोड़ी मीडियम कर लेनी है, मीडियम गैस पे। कोफ्ते फ्राई होने लग गए हैं। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये हमने सभी कोफ्ते बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी में टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इनका पेस्ट बनाएंगे। 2-3 प्याज और 3 टमाटर, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक, और इनको रफली चॉप करेंगे। रफली काट के मिक्सी में डालेंगे और उसके बाद थोड़ा दरदरा पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसको दरदरा पीसेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि प्याज में ऑलरेडी पानी होता है। इधर तेल
वापस से हमने गर्म होने के लिए रख दिया है एक्स्ट्रा तेल खाली करके, और ये हमने दरदरा मसाला पीस लिया है। अब इस दरदरे मसाले को पहले जीरा डालेंगे, जीरे के बाद तेज पत्ता और दालचीनी ये डालनी है, इसमें मसाला डाल के फ्राई करना है। मसाला भुनने लग गया है, अब इसमें हम थोड़ा हींग ऐड करेंगे। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मसाले सब अपने स्वाद के अनुसार ही ऐड करने हैं। नमक, और इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा मसाले में तेल छोड़ दिया है, अब इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे 2-3 टेबल स्पून। अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार 1 टेबल स्पून या 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। सब्जी का कलर अच्छा आ रहा है, मसाला पक चुका है। अब इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। देसी घी थोड़ा सा ऐड कर दो, थोड़ी खुशबू ज्यादा अच्छी आती है ग्रेवी में। अब इसमें हमें सूख के डूब जाए इतना पानी डालना है। इसको बॉईल होने तक ढक के रखना है। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। थोड़ी देर के लिए बॉईल होने देंगे, 2-3 मिनट बॉईल होने देंगे। सब्जी रेडी हो चुकी है।